Assalamu alaikum guys, I hope you all will be fine. Welcome back to my YouTube channel Quick Learning with Noor. Today we are going to discuss a personal memoir of Sarah Solari titled as Meatless Days. अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। पाकिस्तानी लिटरेचर के मॉडर्न पोइट तौफीक रफत को हम ऑलरेडी अपने YouTube चैनल पर वीडियो लेक्चर की फॉर्म में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। उन वीडियोज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। अगर आपने अभी तक वो वीडियोज नहीं देखी तो आप उन वीडियोज से भी हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोज पसंद आती हैं तो इन वीडियोज को अच्छा फीडबैक भी दिया करें, इससे हमें हार्डवर्क करने के लिए और ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। आप जिन टॉपिक्स पर डिटेल वीडियो लेक्चर चाहते हैं आप उसकी सजेशन भी नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इंशाल्लाह उन टॉपिक्स को भी जल्दी कवर किया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द इम्पोर्टेंट राइटिंग्स एंड बायोग्राफी ऑफ सारा सोलारी, क्योंकि उन्होंने मीटलेस डेज में अपनी पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंसिस को शेयर किया है। शी वॉज बॉर्न ऑन 12 June 1953 इन कराची मीन्स पाकिस्तान और उनकी डेथ हुई थी 21 March 2022 को बेलिंगम वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स में, यानी कि प्रीवियस ईयर में ही उनकी डेथ हुई है। शी वॉज अ पाकिस्तानी बॉर्न अमेरिकन राइटर। इट मीन्स डेट शी हैड द नेशनैलिटी ऑफ पाकिस्तान एज वेल एज अमेरिका, और वो अमेरिका में शिफ्ट हुई थी आफ्टर गेटिंग मैरिड विद ऑस्टन गुडियर, और उनका फुल नेम सारा सोलारी गुडियर है। शी वॉज एन इंग्लिश प्रोफेसर एट येल यूनिवर्सिटी इन यूनाइटेड स्टेट, और वहाँ पर वो अमेरिकन और विक्टोरियन पोइट्री को पढ़ाना ही ज़्यादा पसंद करती थी। हर फादर ज़ियाउद्दीन अहमद सोलारी वॉज एन पाकिस्तानी पोलिटिकल जर्नलिस्ट। पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के साथ उनका एक डायरेक्ट रिलेशन था। उनको एक कंजर्वेटिव राइटर भी कंसीडर किया जाता है क्योंकि वो सोसाइटी में मेल पैट्रियार्की मींस मेल डोमिनेंस को सपोर्ट करते हैं। ही बिलीव्स दैट द सोसाइटी इज कंस्ट्रक्टेड एंड ड्राइवन बाय मेल्स, जबकि सारा सोलारी एक फेमिनिस्ट राइटर हैं। उनकी फर्स्ट राइटिंग माय लीडर एक सेमी बायोग्राफी है ऑन मोहम्मद अली जिना, जो कि पाकिस्तान के पहले लीडर थे। ही वॉज अ पैट्रियाटिक मीन्स ही लव हिज कंट्री पाकिस्तान। ऑन द अदर हैंड सारा सोलारी पैट्रियाटिक नहीं है क्योंकि पाकिस्तान के साथ उनकी बहुत सारी बिटर मेमोरीज अटैच हैं। उन्होंने अपने फादर को ट्रिब्यूट देने के लिए उनको पिप का टाइटल दिया। पिप इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ पैट्रियाटिक। जियाउद्दीन अहमद सोलारी की ये डिजायर थी कि वो एक ऑटोबायोग्राफी लिखें। ऑटो मीन्स सेल्फ, इट मीन्स वो अपनी लाइफ के पर्सनल एक्सपीरियंसेस को अपनी राइटिंग में एक्सप्रेस करना चाहते थे, और उन्होंने इसका टाइटल बॉयज़ विल बी बॉयज़ रखा था, मगर अनफॉर्चुनेटली वो इसे कंप्लीट नहीं कर पाए। सारा सोलारी ने उनकी डेथ के बाद उनको एक ट्रिब्यूट लिखने की अटेम्प्ट की। उन्होंने अपने ऐसे के लिए सेम टाइटल यूज़ किया, बॉयज़ विल बी बॉयज़, यानी लड़के हमेशा लड़के ही रहते हैं। जैसे हम सबको पता है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, ज़ियाउद्दीन अहमद सोलारी मेल पैट्रियार्की को सपोर्ट करते थे, जबकि सारा सोलारी इस फॉल्स नोशन पर बिलीव नहीं रखती थी। उनके मुताबिक फीमेल को भी इक्वल पोजीशन मिलनी चाहिए, जिसके लिए उन्हें फेमिनिस्टिक राइटर भी कहा जाता है। टाइटल बॉयज़ विल बी बॉयज़ ये सिग्निफाई कर रहा है कि बॉयज़ को अपना एटीट्यूड या बिहेवियर सोसाइटी में चेंज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पब्लिकेशन एंड सेटिंग ऑफ मीटलेस डेज। दिस नॉवल वॉज पब्लिश्ड ऑन 15 June 1989 एंड इट्स सेटिंग इज न्यूली क्रिएटेड पाकिस्तान आफ्टर 1947। ये एक मेमोयर ऐसे है, यानी कि एक मेमरीज का कलेक्शन है। एक्सीलेंट थिंग्स इन वुमेन ने पुष्कर प्राइज विन किया था 1987 में। इसी वजह से मीटलेस डेज का फर्स्ट चैप्टर एक्सीलेंट थिंग्स इन वुमन रखा गया। इस नॉवल को 9 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज एक्सीलेंट थिंग्स इन वुमन, सेकंड वन मीटलेस डेज, थर्ड वन मस्टोकरी माय फ्रेंड अ स्टडी ऑफ परफेक्ट इग्नोरेंस, फोर्थ वन इज गुड बाय टू द ग्रेटनेस ऑफ टॉम, फिफ्थ वन इज द राइट पाथ और दे टुक द रॉन्ग पाथ, सिक्स वन इज पापा एंड पाकिस्तान, सेवंथ वन इज द इमोडरेशन ऑफ इफत, एट वन इज व्हाट मामा न्यू एंड द नाइन्थ वन इज सेविंग डेलाइट। एज वी ऑल नो सारा सोलारी का एक फेमिनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है, और इस नॉवल में भी वो अपना फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू ही प्रेजेंट करती हैं। इस नॉवल को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट की हुई हैं। ये नॉवल किसी भी क्रोनोलॉजिकल या सिक्वेंशियल मैनर में नहीं लिखा गया। इस नॉवल को पर्सनल और पॉलिटिकल मेमोरीज का ब्लेंड कंसीडर किया जाता है क्योंकि इसमें पाकिस्तान की हिस्ट्री को भी डिस्कस किया जाता है आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1947। मूविंग टुवर्ड्स द टाइटल ऑफ दिस नॉवल, टाइटल मीटलेस डेज पाकिस्तानी गवर्नमेंट की उस अनाउंसमेंट को रेफर करता है जिसमें कहा गया था 2 days इन द वीक वुड बी मीटलेस, यानी हफ्ते में 2 दिन ऐसे होंगे जिसमें गोश्त नहीं खाया जाएगा।
क्योंकि पाकिस्तान की पॉपुलेशन में मुस्लिम्स बहुत ज़्यादा मीट कंज्यूम करते थे, सो ये मुश्किल हो गया था कि गोट्स या कैटल की सप्लाई फ्यूचर में कंटिन्यू हो पाएगी, तो उनको बचाने के लिए ये गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था। मगर ये सारा की पर्सनल मेमोरीज के साथ भी अटैच है। टाइटल मीटलेस डेज, वो इसको ह्यूमन बॉडी से भी रिलेट करती हैं, बिकॉज हमारी बॉडी में भी मीट पाया जाता है। मीट मीन्स गोश्त, लेस मीन कम या ना होना, डेज मीन दिन। यहाँ पर सारा सुलहरी फीमेल की पोजीशन को इन मेल पैट्रियार्कल सोसाइटी में मीटलेस डेज कंसीडर करती हैं। वो इसकी डिस्कशन पोस्ट कलोनियल पाकिस्तान में करती हैं। पोस्ट कलोनियल मीन्स आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ कलोनाइजेशन। सारा सुलहरी मीटलेस डेज में फीमेल के पर्सनल एक्सपीरियंसेस को शेयर करती हैं। वो टाइटल मीटलेस डेज को फीमेल की पोजीशन से डायरेक्टली कंपेयर करती हैं। अकॉर्डिंग टू हर, सोसाइटी में मेल डोमिनेंस को सपोर्ट किया जाता था और उनके अपने फादर के साथ भी इसी वजह से क्लैशेस थे कि उनके फादर मेल डोमिनेंस को सपोर्ट करते थे, जबकि सारा सुलहरी फीमेल के लिए इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज डिमांड करती हैं। फेमिनिज्म मूवमेंट लिटरेरी थियरी से अटैच है, जिसको ऑलरेडी हमने अपने यूट्यूब चैनल पर डिटेल वीडियो लेक्चर की फॉर्म में डिस्कस कर लिया है। उस वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो से भी हेल्प ले सकते हैं। उनकी बर्थ 1953 में हुई थी, विच इज़ अ टाइम पीरियड 6 ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम सब कॉन्टिनेंट। इसी वजह से पाकिस्तान की चेंजिंग सोशल और पोलिटिकल सिचुएशन की वो आई विटनेस थी। और फिर पाकिस्तान की क्रिएशन एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट हुई ताकि मुस्लिम्स को उनके बेसिक राइट्स प्रोवाइड किए जाएं। द पोस्ट कलोनियल पाकिस्तान कैरी सोशल एंड पॉलिटिकल कॉनोटेशंस विद द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। इसको पोस्ट कलोनियल पाकिस्तान इस वजह से भी कहा जाता है कि पाकिस्तान के मुस्लिम्स को बहुत ज्यादा सप्रेस या ओप्रेस किया जाता था। सारा अटेम्प्टेड टू रेज वॉइस अगेंस्ट फीमेल सब्जुगेशन एंड सप्रेशन इन मेल पैट्रियार्की थ्रू द रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लामिक वैल्यूज इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में मेल डोमिनेंस और मेल पैट्रियार्की को सपोर्ट किया जाता था, जबकि पाकिस्तान की फीमेल्स को इस्लामिक लॉज की गलत इंटरप्रिटेशन करके सब्जुगेट या सप्रेस किया जाता था। मेल ये कंसीडर करते थे कि इस्लाम ने उनको ज्यादा पावरफुल और डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी दी है और वो अपनी अथॉरिटी और डोमिनेंस फीमेल पर रिवील करने के लिए उन्हें ओप्रेस करते थे। सारा ने खुद पाकिस्तान में रहते हुए ये पर्सनली एक्सपीरियंस किया था, इसी वजह से वो पाकिस्तान की फीमेल्स के लिए वॉइस रेज करना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने अपने नॉवल के लिए टाइटल मीटलेस डेज यूज किया और इस टाइटल को पाकिस्तान में रहने वाली फीमेल्स की करंट सिचुएशन के साथ कंपेयर भी किया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी क्यूरी और क्वेश्चन अबाउट दिस टॉपिक, देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आई होप आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस सारा सुलहरी मीटलेस डेज एज अ फेमिनिस्ट नॉवल। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन अल्लाह हाफिज़।